दोस्तों हो सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है तो आपको मालूम हो, लेकिन यार हो सकता है कि मशीन लर्निंग के बारे में आपने ना सुना हो, या फिर मशीन लर्निंग के बारे में सुना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना सुना हो, और डीप लर्निंग क्या है इसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो यार आज हम कंपेयर करेंगे इन तीनों चीजों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सी जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर है मशीन लर्निंग से, और किन मामले में डीप लर्निंग बेहतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। बात करूं सबसे पहले यार मशीन लर्निंग की या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आप यूं मान के चलो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट्स हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब यार देखो, सबसे बड़ी आ जाती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद उसका सबसेट है मशीन लर्निंग, और उसके बाद है डीप लर्निंग। अब यार देखो, हम एज अ ह्यूमन यार हम किस तरीके से अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। देखो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम दे दे कुछ सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको काफी टाइम के बाद जो है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम देते हैं मशीन को, तो क्योंकि मशीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है, तो वो जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम जो है वो मशीन हमें एकदम तेज़ी से करके प्रोवाइड कर देगी। लेकिन यार ऐसे में उसके पास जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे में आप उसको इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि यार जो इंटेलिजेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास में है, और ह्यूमन जो है वो सबसे पहले लर्न करता है, उसके बाद उसको थिंक करता है, और उसके बाद डिसीजन को लेता है। तो इसी तरीके से यार हम मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या हो हमारे पास डीप लर्निंग, लोगों के दरमियान यार काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इन दो तीनों टर्म्स को लेके कि ये तीनों टर्म्स आखिर किस तरीके से अलग अलग है एक दूसरे से। अब यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक वर्चुअल इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमन के अंदर हम डालते हैं, जो कि बेसिकली मैं बोलूंगा ना मशीन्स होंगे, मशीन्स जो है बेसिकली हम ह्यूमन जो है वो मशीन्स के अंदर डालते हैं और मशीन्स को बनाते हैं, इंटेलिजेंस कोशिश करते हैं, ट्रेन करते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हैं और मशीन को बेसिकली सिखाते हैं कि किस तरीके से मिमिक करना है ह्यूमन बिहेवियर को। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग को हम एक्जैक्टली ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब मशीन लर्निंग को हम ट्रेन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको बैठना है, कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो ये जो सारी चीजें ये अलग अलग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर आपसे बात करता हूँ लीनियर रिग्रेशन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, रैंडम फॉरेस्ट की और डिसीजन ट्री की। तो ये सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं मशीन लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, और मशीन को हम बेसिकली सिखा रहे हैं कि मशीन आपको क्या करना है। अब मान लो कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास, मैं अगर एक कुत्ते को देखता हूँ या एक बिल्ली को देखता हूँ, तो मुझे इजीली मालूम चल जाएगा कि हाँ ये एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली है। लेकिन क्योंकि मशीन है और मशीन को ये मालूम नहीं है, क्योंकि मशीन के पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो मशीन उसको पहचान ही नहीं पाएगी। तो इसलिए यार हम अलग अलग बेसिकली बोलूंगा ना अलग अलग एंगल से, अलग अलग जो है वो डायमेंशन से जो है वो पिक्चर्स दिखाते हैं कुत्ते की, हम उसको अलग अलग पिक्चर दिखाएंगे अलग अलग एल्गोरिथम्स में, और उसके बाद में क्या करेगा कि हाँ वो एक कुत्ते का जो है वो एक पैटर्न बना लेगा, या फिर बिल्ली का, या फिर हाथी का एक पैटर्न बना लेगा कि हाँ जो हाथी है वो इस तरीके से दिखता है, या फिर कोई भी जानवर है वो इस तरीके से दिखता है। तो फिर उसके बाद पैटर्न बनाने के बाद में वो क्या करेगा कि उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ जो कुत्ते का बेसिकली पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और कुत्ते का पैटर्न बनाने के बाद में उसने क्या किया कि उसने अपने पास में स्टोर कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर उसको कोई कुत्ता नजर आता है तो वो क्या करेगा कि वो देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ ये एक कुत्ता है, और अलग अलग नस्ल के कुत्ते अगर उसके सामने ले आओ तब भी वो पहचान लेगा कि हाँ ये एक कुत्ता है। लेकिन अगर आप अचानक से उसके सामने लेकर आ जाओ एक शेर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, उसको बेसिकली आपने उसके बारे में ट्रेन ही नहीं किया। मतलब वो एक मशीन है, और मशीन बेसिकली एफिशिएंट तो काफी ज्यादा है लेकिन इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है। फास्टली काम कर सकती है नो डाउट, एकदम एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है इसमें भी नो डाउट, लेकिन इंटेलिजेंट की बात निकल के आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास में होती है, मशीन के पास में बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए हम इंसान जो है वो मशीन के अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स के लगा के मशीन को करते हैं ट्रेन और बनाने की कोशिश करते हैं मशीन को एकदम इंटेलिजेंट। तो ये बात थी हमारे पास मशीन लर्निंग की। अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। तो दोस्तों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो आपके पास बाहर की बात आ गई, मतलब ये कि आपने मशीन को कंप्लीट तरीके से ट्रेन कर दिया, उसके बाद में मशीन जो है वो अपना काम खुद करेगी, खुद अपने आप को हैंडल करेगी और खुद ही
ही जो है वो सारे काम कर लेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारे पास मशीन लर्निंग का। अब यार क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम खुद जो इंसान है खुद वो मशीन को ट्रेन कर रहा है, लेकिन डीप लर्निंग के अंदर जो है वो कहानी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर हमें किसी भी तरह का जो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन है वो देखने को नहीं मिलता, और हमारा जो बेसिकली टास्क है वो मशीन खुद ब खुद कंप्लीट करती है, खुद ब खुद अपने आप को ट्रेन करती है, अलग अलग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करती है, और खुद ब खुद ही जो है वो इंटेलिजेंस अपने अंदर लेकर आती है। अब यार देखो इसके अंदर होता कुछ है, जो डीप लर्निंग है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास अलग अलग नोड्स होते हैं, उनके अंदर बीच में होती है हमारे पास दो हिडन लेयर्स जिसके अंदर हम बोलते हैं एक्टिवेट न्यूरॉन्स। अब वो जो न्यूरॉन्स है बेसिकली वो जो न्यूरॉन लेयर है बेसिकली दो न्यूरॉन लेयर होती है, पहली होती है हिडन लेयर वन और दूसरी होती है हिडन लेयर टू। अब वो जो पूरा न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली उसके अंदर हम लेते हैं टेंसर फ्लो को काम में, जो एक काफी अच्छी पाइथन की लाइब्रेरी है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लेते हैं इसकी चीज को, और ये क्या करता है डीप लर्निंग के अंदर कि मशीन का जो मॉडल है, जो भी हमारा मॉडल है बेसिकली, उसके अंदर मान लो कि हमने एक इंसान की फोटो दिखाई, अब सबसे पहले क्या करेगा कि वो इंसान का एक पैटर्न बनाएगा, उसके बाद में इंसान के फेस फीचर्स को देखेगा कि कहां पर नाक है, कहां पर कान है, कहां पर आंख है, कहां पर होंठ है, कहां पर दांत है, कहां पर हाथ है, ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली ये सारे एनालाइज करेगा दूसरी वाली लेयर में। उसके बाद में जाएगा वो तीसरी लेयर में जहां पे वो देखेगा ये जो इंसान है वो किस तरीके का दिखता है, उसके कलर को एनालाइज करेगा, उसके फीचर्स को एनालाइज करेगा, उसके बाद में फाइनली जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब यार बेसिकली इनपुट जो मैं बोलूंगा ना आपसे कि मशीन में और इंसान में क्या डिफरेंस है, तो एरर का डिफरेंस है। मतलब ये कि मान के चलो कि मशीन के अंदर जितना ज्यादा कम एरर आएगा उतना ही हमारा मशीन अच्छा ट्रेन हुआ होगा, और जितना ज्यादा एरर आएगा उतना ही हमारा मशीन जो है वो कम ट्रेन हुआ होगा। इसी तरीके से हम मशीन को जो है वो अलग अलग एल्गोरिथम को लगाकर ट्रेन करते हैं, और जो है मशीन की जो बेसिकली इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और बना देते हैं एकदम, कोशिश करते हैं बेसिकली बनाने की कि यार ये जो मशीन है ये एकदम ह्यूमन की तरह सोचना स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली यार मुझे उम्मीद है कि आपकी जो डाउट्स हैं बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के, वो सारे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।